नव मई ते शहीद के यादगार की बेहरमती कदर के कौम कदें भी माफ न कंदी। नव मई जिन वाक्य के बर्दाश्त न किया वो पाक फौज पुलिस बिया कानून लागू कदड़ इदारा रियासत की अलामत शीह की भित जन जी मुल्क कौम के वकार के खातिर कें भी कुर्बानी दियण का पोते न हटंदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो इस्लामाबाद पुलिस लाइन में पुलिस ऑफिसर जवानों शहीद के पोयां के खिताब शहीद के कुर्बानी के केर भी घट न तो कर सके। वो शहीद के वारसन के पैगाम दियण चाहे तो अज के ढी कौम पाक फौज समूर कानून लागू कदड़ इदार शहीद के पोयरन से गड बीठल है। नव मई के वाकियन में मुलविस शरपसंद दहशतगर्दन में को फर्क ना है, उन्हें सजा जरूर मिली। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो पेशावर में रेडियो पाकिस्तान के मारे के दौरे दौरान तकरीब ई अमनो अमा बाबत इजलास तोड़े सियासी समाजी अगवाणन के खिताब संदस चवणा है। रेडियो पाकिस्तान पेशावर मा ही मुल्क की आजादी जो ऐलान थो है। रेडियो स्टेशन की तारीख इमारत की हालत ऐसी दुख पहुतो। फौजी ठिकाणन से हमला किया गया, अड़ो कम दुश्मन भी 75 साल में न कर सको। सरकारी मिल्कियतों के नुकसान पहुंचाईंदड़ खिलाफ एडीसी तहत केस हलाया वा। सियासी कारकुनन के भंजड़ा हमलन लाए भड़काईंदड़न के कें भी किस्म की रियायत वी। सारे मुल्क में योम तकरीम शहदा जोश और जज्बे से मल्हाय पियो वे। कौम पारा शहीद के खराज अकीदत पेश कर रैलियन जो सिलसिलो जारी। जीएचक्यू रावलपिंडी में मुख्य तकरीब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत टिन हथियारबंद फौज के सरबराहन हाजिर सर्विस तोड़े रिटायर्ड ऑफिसर की शिरकत। कौमी टीम जो कप्तान बाबर आजम भी शरीक। मुख्तलिफ शोबन से ताल्लुक रखंदड़ शख्सियतों की भी शिरकत। आर्मी चीफ शहीद के यादगार से गुल रखिया।